हम सबको कभी ना कभी टॉपर बनने का मन करता ही है, बट व्हेनेवर वी लुक अप फॉर इट, हमें एक ना एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो हमें बोलता है सुबह के 5 बजे उठो सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, इफ शिट एंडेड ओवर देयर आई वुड हैव बीन फाइन विद इट, बट अपेरेंटली उसके बाद तुम्हें मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन करने के बाद तुम्हें जॉगिंग करना होता है, जॉगिंग करने के बाद यू नीड टू हैव अ कॉन्टिनेंटल मील। अब भाई, मेरे जैसा इंसान जिसने आज तक मेडिटेशन के नाम पे सिर्फ नींद ली है और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के नाम पे सिर्फ ब्रेड एंड बटर खाया, तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस क्रैप, मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्टिविटी एडवाइसेस हर्ट योर प्रिपरेशन, एंड ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बनी भी नहीं है। तुम्हारे पास इतना लीजर नहीं है टाइम का, तो वॉट एग्जैक्टली डू टॉपर्स डू टू परफॉर्म रियली वेल इन एग्जामिनेशन, एंड हाउ कैन यू परफॉर्म मच बेटर? अब ऑफकोर्स मैं तुम्हें ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि तुम टॉपर बनोगे या नहीं, बट यू विल डेफिनेटली परफॉर्म अ लॉट बेटर देन व्हाट यू वर गोइंग टू इन योर टारगेट एग्जाम, चाहे वो बोर्ड्स हो, नीट हो, जेईई हो, जो भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, लर्निंग अबाउट योर एग्जाम। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि भाई मार्क्स कैसे आएंगे एग्जाम में, तो तुम प्रिपेयर कैसे करोगे? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बोर्ड्स एंड जेईई एडवांस्ड। अब तुम ये सोचोगे ये कैसा कंपेरिजन है, बट दिस इज टू डिस्टिंग्विश द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड्स फर्स्ट। बोर्ड्स में तुम्हें लगता क्या है? तुम्हें बस डेरिवेशन आनी चाहिए, PYQs तुम्हें कर लेने हैं, एंड बहुत सारे चांसेस है कि PYQs रिपीट हो जाएंगे। NCERT थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी तुम आंसर कर पाओगे, थोड़ा बहुत लिखना सीख लो, एंड 2 से 3 हफ्ते में तुम गारंटीड 90 से 95% सिक्योर कर सकते हो। सेम चीज तुम जेईई एडवांस पर करने की कोशिश करो, बहुत भयंकर कटेगा। अब जेईई एडवांस इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर ऑफ अ पेपर, बिकॉज वहां पे तुम्हारा पैटर्न फिक्स्ड ही नहीं होता है, तुम्हारे कितने क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, या फिर मैट्रिक्स मैच होगा, भाई कुछ नहीं पता तुम्हें, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पेपर। एंड यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ में जाओ। क्रिटिकल थिंकिंग is what is required to crack JEE Advanced. बहुत लोग इसे 2 साल में भी नहीं क्रैक कर पाते, कुछ लोग 3 से 4 साल में भी नहीं क्रैक कर पाते। सो दिस पेपर रिक्वायर्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। तो तुम देख पा रहे हो कि दोनों एग्जाम में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बोर्ड में तुम 90 से 95% का टारगेट रखते हो अपने दिमाग में, यही चीज तुम एडवांस में नहीं रख सकते हो। एडवांस में तुम्हारे 30 से 40% भी आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, 50 आ गए तो और भी अच्छी बात है, 50 के ऊपर तो वाह भाई, टॉपर भाई, समझ रहे हो? तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दैट यू नो अबाउट योर एग्जाम, यू नीड टू फिक्स योर रिसोर्सेज। आज के जमाने में वेर यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, यू नीड टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से एक बंदा है जिसने अपनी प्रिपरेशन जेईई के लिए 9th grade में स्टार्ट की थी, एंड टुडे ही सॉल्विंग पाथ फाइंडर फॉर जेईई एडवांस फिजिक्स। अब देखो, उसके लिए तो ये सही है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने सारे फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं, बुक्स लाइक सेंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी उसने ऑलरेडी कर रखी हैं। बट लेट्स से इसी को देख करके एक और बंदा फोमो फील कर रहा है और इस बंदे की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत वीक है, इसके 11th के कॉन्सेप्ट मिसिंग है, और ये इंस्पायर हो जाता है पाथ फाइंडर सॉल्व करने के लिए। अब इसे कोई भी क्वेश्चन होता नहीं है तो ये सोचता है कि आंसर को रट लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोनों की प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होंगे। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो दोनों की प्रिपरेशन की टाइमलाइन बहुत अलग है, सो नेवर फील दैट फोमो इन रिसोर्सेज। यू नीड टू ऑलवेज लुक कि आज अगर मैंने ये बुक स्टार्ट किया है तो कल मुझे कोई डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। ऑफकोर्स ये एक सेइंग है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कल ही डिफरेंस दिखेगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, तुम्हें देखना है कि इज इट एक्चुअली इंप्रूविंग यू, एंड इफ अ बुक एक्चुअली इंप्रूव्स यू एंड गेट्स यू टू सॉल्व जेईई एडवांस PYQs या फिर जेईई मेंस के PYQs या फिर जो भी एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो, देन दैट बुक इज आइडियल फॉर यू। और फिर उसके बाद हाँ, तुम लेवल बढ़ा सकते हो, बट कभी भी फोमो फील करके डू नॉट कीप चेंजिंग योर बुक्स, फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, स्टे कंसिस्टेंट विद इट। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, फाइंडिंग अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। अ रूटीन हेल्प्स यू स्टे कंसिस्टेंट, और तुम्हें पता है भाई प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। रूटीन जो है तुम्हारी क्योटिक जिंदगी को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। अब देखो, रूटीन में तुम्हें हर एक सेकंड अपने दिन का प्लान आउट नहीं करना होता है, ऑल यू नीड टू नो इज तुम कितने बजे सोने जाओगे और कितने बजे उठोगे और खाना कब करोगे और बेसिक स्टडी आवर्स तुम्हारे क्या होने वाला है। अब देखो, नींद जो है ना तुम्हें एटलीस्ट 8 घंटे की तो लेनी ही है, मोटिवेट होकर के भाई कॉफी मत चबाने लगना और फिर 4 घंटे की नींद मत लेना। यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप, क्योंकि अभी जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो सच में इंटेंसिव होती है, एक एस्पिरेंट की जिंदगी सच में बहुत इंटेंसिव होती है, एंड ही नीड्स रेस्ट। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, भाई मैं हमेशा से एक नाइट आउल था, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भाई जो सुबह के 4 बजे सोने जाता है और 12 बजे दिन में उठता है। अब देखो, प्रोडक्टिविटी गुरुज हमेशा बोलते हैं कि सुबह के 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, बट मैं तो उनके प्रोडक्टिव आवर्स पे सोने जाता था, और भाई मैं तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी नहीं करता हूँ, जॉगिंग तो छोड़ ही दो, तो मैं तो कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी
efficiently able to manage invisible mechanics and my college ka kaam. Theek hai, kabhi kabhi there are days when I, you know, fuck things up. But that's very obvious. Wo hoga hi. Wo sabse galtiyan hoti hain. Now, tumhe ye samajhna hoga ki tumhe din ke 16 ghante milte hain. Ya to 4 am to 8 pm kar lo. Ya to tum 12 se 4 am kar lo. 16 ghante tumhe milenge. Now, how you use these 16 hours is up to you. अब जो रूटीन तुम अपने लिए बनाते हो, what works for you will keep you the most efficient and most productive. एक टाइम ऐसा आया था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था और मैं सुबह के 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया था. अब देखो, सुबह के 5 बजे जब मैं उठता था, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुखता था एंड 7-8 बजे तक कब 7-8 बज जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था. तो 2-3 hours जस्ट यूज़ टू फेड अवे फ्रॉम माई डे एंड देन आई रियलाइज दैट आई वुड रादर गो टू स्लीप एट 4 AM एंड वेक अप एट 12 PM क्योंकि मैं दिन के एटलीस्ट 9 से 10 घंटे फिर भी पढ़ पा रहा था. सो फाइंड वॉट वर्क्स फॉर यू. ये फोमो में मत जाना. और ये जो अ डे इन लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट वाली वीडियोज होती है, ये सब सोशल वैलिडेशन के लिए होती है. नो वन नोज वॉट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा. ऑफकोर्स कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कि सच में ये करते हैं, बट तुमने आज तक ये नोटिस किया कि अ डे इन लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट में सारे एस्पिरेंट 3 बजे सुबह में क्यों उठ रहे हैं, 4 बजे सुबह में क्यों उठ रहे हैं, 5 बजे सुबह में क्यों उठ रहे हैं? Because social validation, they want people to appreciate them. Of course, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो सच में उनका रूटीन ऐसा हो, but I'm just telling you, FOMO में मत आना. What works for you, that's it. The art of self-control. ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि हर जगह तुम्हें यही बोला जाता है that completely cut off your distraction. मैं ये नहीं मानता. मैं मानता हूँ moderation. You need to learn self-control. हमेशा जिंदगी में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं होगा. You will have a lot of things on your plate and you will need to know how to manage them. हाँ, अभी तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई है, but हो सकता है आगे जा करके you will have a girlfriend, you will have friends, you will have a lot of different work. और हाँ, मैं खुद भी trained नहीं था, इसलिए आज मुझे बहुत सारी problems होती हैं. अब तो चलो फिर भी मैं figure out कर चुका हूँ, but जिस time पे मैं एक JEE aspirant था, all I had to do was get up, study and go to sleep. लाइफ बहुत ही मोनोटोनस होती है. एज एन एस्पिरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम 2 से 3 साल इससे किसी भी एक एग्जाम के लिए कमिट कर रहे हो एंड ड्यूरिंग दीज 2 to 3 years ऐसा नहीं हो सकता दैट यू कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें मॉडरेशन में की जाती है. तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे क्लास के टॉपर्स होते हैं वो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते? हाँ, बहुत सारे नहीं करते होंगे, बट कुछ करते भी हैं, तो वो क्यों कर पा रही है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे टॉपर फ्रेंड्स स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कुछ खेलते हैं? तो भाई वो कैसे कर लेते हैं? तो हर चीज मॉडरेशन में होती है. अपने टाइम पे जब मैं ब्रेक लिया करता था तो 15 मिनट की ब्रेक 1.5 घंटे की कब बन जाती थी पता भी नहीं चलता था. सेल्फ कंट्रोल. दुनिया में जो भी एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो रील को स्क्रोल करना हो गया या फिर अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टीनएजर्स में, वो सब स्टार्ट होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल से. सो इफ यू एक्चुअली लर्न The art of self-control, तुम अपने दोस्तों के साथ शाम में क्रिकेट भी खेल पाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे. अब आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे, embracing failures. अब देखो, जिंदगी ज्यादा आसान नहीं है. Things won't always go your way. There will be days where you fuck up and you're not productive. मैं कौन सा हर रोज चीजें उखाड़ रहा हूँ? But the goal was never to be 100% productive every single day. भाई अगर तुम 6 घंटे हर रोज पढ़ रहे हो, that's much better than studying 12 hours, 16 hours a day for just 2 to 3 days a week. भाई ये consistency वाली जो चीज़ है ना, मैं पहले इसे बहुत doubt करता था कि what does consistency even do? But YouTube को grow होते देख करके, I finally realized that making those small efforts every day counts. जिस दिन तुम्हें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तुम थोड़ा सा नहा लेते हो. I mean, नहाना हर रोज चाहिए, but हाँ, तुम थोड़ा सा नहा लेते हो. And then you feel like making a video. You make a video, that video blows up. Few days when you don't feel like taking a stream, तुम लेते हो and that's your highest viewership ever. भाई life बहुत unpredictable होती है और life जो है वो single marathon नहीं है भाई. It's multiple different sprints. पहली sprint तुम्हारी high school हो सकती है, तुम्हारी JEE preparation हो सकती है. अगला sprint तुम्हारा college life हो सकता है. उसका अगला sprint तुम्हारा हो सकता है job and उसके अगला sprint your you know family and all of those things. हो सकता है कुछ sprint तुम हार जाओ, but मजा तो उसी में है ना. लाइफ की अनसर्टेनिटी इज इट्स बिगेस्ट ब्लेसिंग. अगर तुम्हें पता होता कि भाई तुम हमेशा सक्सेसफुली होने वाले होते हैं, तो भाई क्या ही मजा आता. द जर्नी टू गेट टू अ मैक्लेरन इज व्हाट मेक्स लाइफ फन. ड्राइविंग इट विल बी फन, बट गेटिंग देयर विल बी इवन मोर फन. समझ रहे हो? वाइब समझो.
Anyways, that was all for this particular video. If you guys liked it, make sure you guys like, subscribe और comment कर देना भाई. Let's get this video to 100k views. I know नहीं आने वाले, but फिर भी let's see what happens. तो चलो, bye bye. I'll see you guys in another video.